हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माय एग्जाम। और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो हमारा स्पेशल सेशन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की, बुक्स और उनके ऑथर्स, कुछ बुक्स, कुछ नॉवेल्स, कुछ जर्नल्स और उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट ऑथर्स की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में बुक्स, जर्नल या फिर ऑथर को लेकर। तो जैसे कि हम 2 बजे सेशन करते हैं, आपको पता है हमने बहुत सारे सेशन किए हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे के बारे में बहुत कुछ जरूरी, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, रिवर्स, इन्वेंशंस। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और उसका नाम है इम्पॉर्टेंट बुक्स, जर्नल्स एंड देयर ऑथर्स। तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ प्लेइंग इट माई वे? तो पहला सवाल है कि प्लेइंग इट माई वे के ऑथर कौन है, कपिल देव, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर या फिर युवराज सिंह? तो ये ऑटोबायोग्राफी है इसके, प्लेइंग इट माई वे, इसके ऑथर कौन है? जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून। तो पहला सवाल, प्लेइंग इट माई वे इसके ऑथर कौन है, कपिल देव, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर या फिर युवराज सिंह? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। तो प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट यंग इंडिया वॉन्ट्स? तो व्हाट यंग इंडिया वॉन्ट्स, इस बुक के ऑथर कौन है, अमिश त्रिपाठी, चेतन भगत, दुर्जॉय दत्ता या फिर रविंदर सिंह? तो व्हाट यंग इंडिया वॉन्ट्स, इसके ऑथर कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमिश त्रिपाठी, चेतन भगत, दुर्जॉय दत्ता एंड रविंदर सिंह। यहां पर आंसर आया है सी, लेकिन ये शायद पिछले सवाल का आंसर दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर, तो इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी से कोई जवाब दे, हमारी टेक्निकल टीम ने तो उसका जवाब भी दे दिया है। तो यहां पर आंसर आ रहा है सी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतन भगत। तो व्हाट यंग इंडिया वॉन्ट्स हैज बीन रिटन बाय द फेमस ऑथर चेतन भगत। और अभी आंसर आ रहा है काफी लोगों का बी, और बिल्कुल सही जवाब है चेतन भगत। हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ सहारा द अनटोल्ड स्टोरी? तो दोस्तों बताएं, सहारा द अनटोल्ड स्टोरी, एक अनकही कहानी, उसके ऑथर कौन है, आदित्य पुरी, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती, सुब्रता रॉय या तमल बंदोपाध्याय? तो आपके सामने तीसरा सवाल है, सहारा द अनटोल्ड स्टोरी, इसके ऑथर, और यहां पर ऑप्शन, यहां पर आंसर दिया है ऑप्शन सी, सुब्रत रॉय। देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसके ऑथर हैं तमल बंदोपाध्याय। देखिए, सुब्रत रॉय ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है इस बुक में, लेकिन इसके जो मेन ऑथर हैं वो तमल बंदोपाध्याय हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, तमल बंदोपाध्याय। जो लोग ऑप्शन सी कह रहे हैं, मैं उन्हें फिर बताना चाहूंगा कि सुब्रता रॉय ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, पर इसके जो मेन ऑथर हैं वो तमल बंदोपाध्याय हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे इसी के साथ हम। हु पब्लिश्ड यंग इंडिया? तो एक जर्नल हुआ करता था यंग इंडिया, उसे पब्लिश कौन किया करते थे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मदर टेरेसा? तो आप बताएं इनमें से कौन सी फेमस हस्ती है, महान हस्ती है, जो यंग इंडिया नाम के जर्नल को प्रकाशित करती थी, पब्लिश करते थे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मदर टेरेसा?
देवाशीष जी, आपकी साइंस की क्लासेस की बात हुई है, आपकी साइंस की क्लासेस बहुत जल्दी लगेंगी, उसमें सबसे पहला सेशन फिजिक्स का होगा और अगले हफ्ते आपका पहला सेशन हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आ रहा है सी, ऑप्शन बी भी कहा जा रहा है। तो मैं बता दूं, यंग इंडिया वॉज अ जर्नल हु वॉज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया एक ऐसा जर्नल था जो महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। इसके अलावा उसके बाद उन्होंने एक और जर्नल प्रकाशित किया था जिसका नाम था हरिजन। आगे बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ क्रिकेट माई स्टाइल बुक। तो क्रिकेट माई स्टाइल बुक के ऑथर कौन है? रोनाल्ड सेगल, अजय जडेजा, सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव? हु इज द ऑथर ऑफ क्रिकेट माई स्टाइल? रोनाल्ड सेगल, अजय जडेजा, सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव? तो क्रिकेट माई स्टाइल बुक के ऑथर हैं कपिल देव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने कहा ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इन विच कंट्री बुकर प्राइस अवार्ड्स आर अनाउंस्ड? कौन से देश में बुकर प्राइस अवार्ड जो है वो दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है? यहां पर कंट्री बोल दिया है, जिनेवा, बर्मिंघम, कैलिफोर्निया, लंदन, ये शहर के नाम है। तो मैं यहां पर करेक्शन करना चाहूंगा कि कौन सा शहर है आपको बताना है। तो जिनेवा, बर्मिंघम, कैलिफोर्निया या फिर लंदन? तो छठवां सवाल आपके सामने है और आपको बताना है बुकर प्राइस से जुड़े शहर का नाम, जिनेवा, बर्मिंघम, कैलिफोर्निया या फिर लंदन। तो यहां पर आंसर आया है ऑप्शन डी, लंदन। और एक के बाद एक यहां पर आंसर ज्यादातर लोग कह रहे हैं लंदन, लेकिन बी ऑप्शन भी कहा जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने लोग सोच रहे हैं लंदन, उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो लंदन में गिल्ड हॉल है, वहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो बुकर प्राइस लिटरेचर के लिए दिया जाता है, बहुत जरूरी अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज इज, तो बहुत ही फेमस अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसके ऑथर कौन है? चार्ल्स डिकेंस, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन बुनियान या फिर थॉमस हार्डी? ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, बहुत जरूरी सेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसके ऑथर का आप नाम बताएं। चार्ल्स डिकेंस, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन बुनियान या फिर थॉमस हार्डी? और यहां पर जवाब आ गया है ऑप्शन ए, चार्ल्स डिकेंस। और सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डिकेंस। बहुत ही फेमस ऑथर हैं चार्ल्स डिकेंस। तो अ टेल ऑफ टू स्टोरी रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, गीतांजलि या फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ? तो आपके सामने सवाल नंबर 8 है। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसमें से कौन सी किताब लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, गीतांजलि या फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? क्वेश्चन नंबर 8 और उसका जवाब आ गया है ऑप्शन ए। सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए, कोई डाउट नहीं है इसमें कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो इनमें से किसे जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से? चार्ल्स डिकेंस, अलेक्जेंड्रा डुमस, चौसर या फिर जॉर्ज एलियट? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री।
यहां पर आंसर आ रहा है ए, और लोगों का वेट करता हूं कि वो क्या आंसर देते हैं इसका, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और आंसर यहां पर आया है सी, और मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जॉफरी जॉफरी चौसर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जॉफरी चौसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, विच बुक इज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कौन सी किताब है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है, तो कौन सी किताब है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है, आपके सामने सवाल है, चित्रा, कोट डांसर, चिदंबरा या फिर क्रेसेंट मून, तो इनमें से कौन सी किताब है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है, तो यहां पर आंसर आ गया है सी, और इसका सही जवाब है चिदंबरा, बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी एक घटना, एक किताब उन्होंने लिखी है चित्रा, कोट डांसर, क्रेसेंट मून, बट चिदंबरा उन्होंने नहीं लिखी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, तो इनमें से कौन सी किताब है जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है, ब्रिटेन्स ट्रू स्टोरी, ब्रोकन विंग्स, कैनवस ऑफ लाइफ या ब्रिस बिका, तो दोस्तों बताएं कि इनमें से कौन सी किताब है जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है, ब्रिटेन्स ट्रू स्टोरी, ब्रोकन विंग्स, कैनवस ऑफ लाइफ या फिर ब्रिस बिका। तो आपके सामने अगला सवाल आ चुका है, बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी किताब लिखी है, ब्रिटेन्स ट्रू स्टोरी, ब्रोकन विंग्स, कैनवस ऑफ लाइफ या फिर ब्रिशबिका, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिशबिका। जैसे कि ब्रोकन विंग्स की बात करें तो खलील जिब्रान ने लिखी है, और ब्रिशबिका जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, तो इनमें से कौन सी किताब भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर ने लिखी है, इंटेलिजेंस सर्विसेस, इनसाइड द सीबीआई, इट इज ऑलवेज पॉसिबल या फिर इनसाइडर, तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बताएं इनमें से कौन सी किताब भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर ने लिखी है, इंटेलिजेंस सर्विसेस, इनसाइड द सीबीआई, इट इज ऑलवेज पॉसिबल या फिर इनसाइडर। तो मुझे इंतजार है आपके जवाब का, सवाल नंबर 12, और कौन सी किताब भारत की पहली महिला ऑफिसर ने लिखी है, यहां पर आंसर आ रहा है डी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इज ऑलवेज पॉसिबल, रिटन बाय द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, किरण बेदी जी, तो उन्होंने लिखी थी, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। अगले सवाल की तरफ, गीतांजलि वॉज रिटन बाय, गीतांजलि किसने लिखी है, वीर सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अरविंद घोष, तो आपको बताना है दोस्तों कि गीतांजलि जो है वो किसने लिखी है, वीर सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गीतांजलि लिखी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि इज अ ग्रुप ऑफ पोएम्स, अगर हम बात करें तो एक कलेक्शन है, ग्रुप नहीं कहूंगा, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था तो उसमें गीतांजलि का बहुत बड़ा योगदान था, तो हमें याद रखना है गीतांजलि वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस बुक वॉज रिटन बाय, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब किसने लिखी है, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या फिर आनंद बोस, तो आप बताएं कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब किसने लिखी है, आपके सामने चार ऑप्शन है,
दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या फिर आनंद बोस। और यहां पर जवाब आ गया, सभी लोगों ने कहा है ऑप्शन ए, दादा भाई नारोजी, बिल्कुल सही जवाब है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को एक नाम से और जानते हैं हम, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस किताब में जिक्र किया था कि किस तरह से देर वॉज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, किस तरह से अंग्रेज जो थे हमारे भारत का पैसा लूट कर अपने देश लेते जा रहे थे। तो इस चीज का जिक्र उन्होंने इस किताब में किया था। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन वॉज रिटन बाय। तो यह किताब द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो आपके सामने जो सवाल है कि इनमें से किसी किस लीडर को डिपोर्ट किया गया था, निकाला गया था देश से, और उसी पर उन्होंने किताब लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, कि किस तरह से मुझे डिपोर्ट किया गया देश से, बाहर निकाला गया। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसके जवाब का इंतजार रहेगा। तो यहां पर आंसर आया है बी, भगत सिंह। देखते हैं सही जवाब है या नहीं, और लोगों का इंतजार करते हैं। ऑप्शन सी भी आ चुका है, और मैं आपको बता दूं जैसे ऑप्शन सी आ गया वो बिल्कुल सही जवाब है, लाला लाजपत राय। जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसलिए सरकार ने उन्हें मांडले जो कि म्यांमार में है वहां पर डिपोर्ट कर दिया था। हालांकि उसी साल उन्हें वापस बुला लिया गया था, तो तब उन्होंने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, इंडिया विंस फ्रीडम वॉज रिटन बाय। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपके सामने दोस्तों सवाल है कि इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब किसने लिखी थी, यानी कि भारत की जो आजादी के ऊपर जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। तो यहां पर 16वां सवाल, और इसका जवाब आ चुका है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी किताब इंडिया विंस फ्रीडम। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, हु रोट द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो भारत का संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल, ये किताब किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो आपके सामने 17वां सवाल है, इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। सत्रहवां सवाल, इसका जवाब फटाफट से दीजिए। और इंडियन स्ट्रगल पर आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। और मैं बताना चाहूंगा कि यह जवाब बिल्कुल सही है। तो द इंडियन स्ट्रगल बुक वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, भारत का संघर्ष। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, द बुक हिंदुत्व वॉज रिटन बाय। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है हिंदुत्व एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि हिंदुत्व नामक किताब किसने लिखी थी, वीर सावरकर ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो आपके सामने चार ऑप्शन, और किताब का नाम है हिंदुत्व, वी डी सावरकर, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। यहां पर आंसर आ गया है ऑप्शन ए, वीर सावरकर, वी डी सावरकर, और सभी लोगों ने लिखा है ऑप्शन ए। तो मुझे बताना होगा कि ये सही जवाब है, हिंदुत्व बुक वॉज रिटन बाय वी डी सावरकर। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया डिवाइडेड वॉज रिटन बाय। तो एक किताब थी इंडिया डिवाइडेड, ये किसने लिखी थी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड बुक वॉज रिटन बाय सरदार पटेल,
राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 19, 18 का जवाब अभी तक आ रहा है ऑप्शन ए, और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और इसका जवाब आ चुका है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, और ये जवाब बिल्कुल सही है। तो द बुक इंडिया डिवाइडेड वॉज रिटन बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। थॉट्स ऑन पाकिस्तान वॉज रिटन बाय, तो एक किताब थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक? तो आपके सामने 20वां सवाल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? और यहां पर जवाब आया है ऑप्शन सी, बी आर अंबेडकर। बाकियों का जवाब देखते हैं। ऑप्शन बी भी कहा जा रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि पाकिस्तान की बात आती है तो जिन्ना का नाम जहन में आता है, तो कई लोग इसका जवाब दे रहे हैं जिन्ना, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, थॉट्स ऑन पाकिस्तान वॉज रिटन बाय बी आर अंबेडकर। दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए बुक्स और उनके ऑथर्स बहुत जरूरी हैं। एक और सेशन हम देखेंगे बुक्स और ऑथर पर। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाला सेशन होगा, और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं, अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।